रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि बाहुबली सहाबुद्दीन जेल के अंदर से राजनीति की दुनिया में कैसे प्रवेश किए। जी हाँ, सहाबुद्दीन ने प्रतापपुर से स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में जीत हासिल की। उस वक्त उनका चुनाव चिन्ह था शेर। उस वक्त वह सिर्फ 23 साल के थे और जेल में बंद थे। उनके समर्थकों ने उन्हें जेल से ही चुनाव लड़ने को कहा। सहाबुद्दीन जिराइदी सीट से लड़े और कांग्रेस के त्रिभुवन सिंह को 378 वोटों से हराने में कामयाब रहे। जिरादेई सीट जीतने के बाद सहाबुद्दीन को जमानत मिल गई। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की जिरादेई से ही रहने वाले थे और सिवान के DABA कॉलेज में पढ़ने के समय से ही सहाबुद्दीन छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए थे। सहाबुद्दीन कोई गरीब परिवार से नहीं थे। उन दिनों सहाबुद्दीन के लिए कैंपेन करने वाले लोगों में नन्हे भी शामिल रहा करते थे। वो कहते हैं कि जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो प्रशासन की ओर से कहा गया कि सहाबुद्दीन की उम्र कम है। इस पर हमने सिवान में दंगा कर दिया था। हमने प्रशासन से पूछा कि अगर उनकी उम्र चुनाव लड़ने की नहीं थी तो फिर उन्हें पर्चा दाखिल क्यों करने दिया। इस तरह जेल के अंदर से ही उनका राजनीति में प्रवेश हुआ। लेकिन फिरौती के कई हाई प्रोफाइल मामलों, अपहरण और हत्याकांडों से जुड़े केस में नामजद होने के बावजूद राजनीतिक संरक्षण की बदौलत वह जेल से अपना विशाल क्राइम सिंडिकेट चलाते रहे। वहीं सेक्युलर सांप्रदायिक राजनीति का टकराव और सहाबुद्दीन का उभार भी हम आपको बता रहे हैं। उन दिनों सिवान के हर गली कुची में सहाबुद्दीन के कटआउट लगे होते थे। सिवान में एक तरह से उन्होंने अपनी एक समानांतर व्यवस्था बना ली थी। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की 2001 की एक सरकारी रिपोर्ट बताती है कि RJD सरकार की ओर से उन्हें पूरी तरह संरक्षण मिला हुआ था। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई लगभग असंभव थी। इसके बाद सहाबुद्दीन का कहा हुआ कि कानून बनाने लगा, इससे चारों ओर उनके अजय होने का एक आभा मंडल सा छा गया। रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस ने सहाबुद्दीन की आपराधिक गतिविधियों से आंखें मूंद ली। उन्हें सिवान को अपनी जागीर की तरह इस्तेमाल करने की छूट दे दी। इस वजह से उनकी धौंस चल रही थी और सहाबुद्दीन का इतना आतंक है कि सिवान में कोई भी शख्स उस मामलों में उनके खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहता जिनमें उन्हें अभियुक्त बनाया गया है। जिन दो दशकों में हिंदू राष्ट्रवाद अपने उभार पर था उनमें लालू यादव अगड़ी जातियों का सामना करने के अपने फॉर्मूले पर काम कर रहे थे। मुस्लिम और यादव के गठबंधन के अपने फॉर्मूले की बदौलत वह 1990 में सत्ता हासिल कर सके। इससे पहले 1989 में बिहार के भागलपुर में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इसमें से कई मुसलमान थे। मुसलमानों का कहना था कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा राज्य में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने से रोक नहीं पाए। इस दौरान लालू यादव ने देश में आरक्षण विरोधी आंदोलन के खिलाफ एकजुटता पैदा करने पर ध्यान देने लगे। लेकिन इस बीच पूरे देश में राम जन्मभूमि आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। PUDR की एक रिपोर्ट के मुताबिक भागलपुर के कुख्यात दंगे में मारे गए लोगों में 93% मुसलमान थे। इस सारी पृष्ठभूमि में राज्य की 17% मुस्लिम आबादी ने JP आंदोलन की उपज और सेक्युलर और सोशलिस्ट राजनीति के पैरोकार लालू को अपना संभावित नेता तलाशना शुरू कर दिया। लालू यादव को राज्य की 14% यादव आबादी का समर्थन हासिल था। इस तरह MY फॉर्मूला उन्हें 2005 तक बिहार की सत्ता में टिकाए रखा। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर इंद्रजीत रॉय बिहार की राजनीति पर नजर रखते हैं। उनका कहना है कि लालू को इस तरह प्रोजेक्ट किया गया मानो वह सब कुछ हड़पने वाले नेता हो। उन्होंने आडवाणी की रथ यात्रा रोक दी और इसके लिए ऊंची जाति के लोगों ने उन्हें कभी माफ नहीं किया। बिहार की राजनीतिक संस्कृति धीरे धीरे अपराध और राजनीति के गठजोड़ में समाती गई और लालू ने अपनी विरासत
विरासत अपने हाथ में ले ली। वहीं शहाबुद्दीन को मिले संरक्षण में सामाजिक गठजोड़ की कमजोरी को उभार दिया। भागलपुर के दंगों की वजह से लालू ने मुस्लिमों को एक ऐसे समुदाय के तौर पर देखना शुरू कर दिया जिसके अंदर कोई बंटवारा नहीं था। इसे उन्होंने एक अखंड समुदाय मान लिया और शहाबुद्दीन जैसे लाइट मुसलमानों के साथ काम करना शुरू कर दिया। उस दौर में हिंदू राष्ट्रवाद का उभार शुरू हो चुका था और मुसलमान पीछे धकेले जा रहे थे। ऐसे में शहाबुद्दीन ने खुद को मुसलमानों के नेताओं के तौर पर पेश किया था। एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि बिहार में निचली जातियों की राजनीति की पड़ताल के जरिए इसे परखा है और डेमोक्रेसी अगेंस्ट डेवलपमेंट नाम की किताब के लेखक प्रोफेसर जेफरी कहते हैं कि शहाबुद्दीन एक समझौता थे जिसे लालू यादव को करना पड़ा। जब आप MY फॉर्मूला की चीरफाड़ करते हैं तो आपका सामना कई सुविधाजनक सच्चाइयों से होता है। सबसे पहली बात यह कि शहाबुद्दीन पहले एक माफिया डॉन थे, उसके बाद राजनीतिक नेता। पहले उन्होंने अपराध के बल पर अपना एक आधार बनाया और फिर इसके दम पर आगे बढ़े। 2001 का पंचायत चुनाव देखने बिहार आए थे वह, और कहते हैं कि यहाँ हवा ही कुछ दूसरी थी, माहौल बड़ा भारी था। कई मायनों में उस समय शहाबुद्दीन दूसरे माफिया डॉन से ज्यादा खतरनाक थे। उनका नेटवर्क सिवान से बाहर भी फैला हुआ था। वह कहते हैं कि वह सबसे बड़े मुस्लिम माफिया थे, पूरे सिवान पर उनका नियंत्रण था, सरकारी दफ्तर बिल्कुल समय से चलते थे। शहाबुद्दीन का भय आप महसूस कर सकते थे। गांव में देखा गया कि उनका गठजोड़ जमींदारों से था, उन्होंने खूब पैसा बनाया था। दरअसल लालू ने एक शैतान से सौदेबाजी की थी। शहाबुद्दीन मुस्लिम ताकत का प्रतिनिधित्व करते थे जो काफी कुछ मायने रखता था। लोग शहाबुद्दीन को प्यार करते थे, साथ ही उनसे डरते भी थे। उन दिनों को याद करते हुए कहा जाता है कि सिवान की स्थिति बिहार के दूसरे इलाकों से अलग थी। यहाँ खाड़ी के देशों में कमाने गए लोगों का पैसा आता था, मर्द गले में सोने की चेन पहनते थे, लेकिन गांव में भयंकर गरीबी थी। कईयों का कहना था कि शहाबुद्दीन जमींदारों को CPI से संरक्षण देते थे, जो उन दिनों इन इलाकों में एक ताकत बन चुकी थी। CPI ML पोलित ब्यूरो ने नंदकिशोर प्रसाद 1990 के दशक में सिवान में पार्टी का काम देखते थे। वह कहते हैं कि शहाबुद्दीन उस दौर में एक छोटा अपराधी थे, लेकिन लालू यादव के संरक्षण में वह एक बड़ा डॉन बन गया था। वहीं प्रसाद कहते हैं कि शहाबुद्दीन जब तक सिवान में रहे, किसी दूसरी पार्टी का झंडा वहां नहीं फहराया जा सका। BJP की कभी वहां दफ्तर खोलने की हिम्मत नहीं हुई। सिर्फ एक पार्टी उनसे टक्कर ले पाई और वह थी CPI के आतंक के खिलाफ लड़ रहे थे। उन्होंने गरीबों के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन गरीबों के हक में खड़े थे। 1997 में जब सिवान में CPI के नेता चंद्रशेखर और श्याम नारायण यादव नुक्कड़ सभा कर रहे थे तो उन्हें मार डाला गया। कहा गया कि शहाबुद्दीन के गुर्गों ने उन्हें मार डाला। उन दिनों कहा जा रहा था कि चंद्रशेखर को शहाबुद्दीन ने नहीं मरवाया, उस समय तो वह जेल में थे, लेकिन इसमें से ज्यादातर बात मीडिया की फैलाई हुई थी। बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य अमरनाथ यादव और CPI के नेता शहाबुद्दीन के राज के खिलाफ खड़े होने के लिए जाने जाते हैं। वो कहते हैं कि हम जमींदारों से जमीन छीन कर भूमिहीनों में बांटते थे, यही हमारा आंदोलन था। सिवान उन दिनों बेहद खतरनाक जगह मानी जाती थी, बूथ कैप्चरिंग का जमाना था। लालू कहा करते थे कि वे कम्युनिस्टों को खत्म कर देंगे। CPI और शहाबुद्दीन के बीच लड़ाई में 153 लोग मारे गए थे। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।